हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की, और ये वेबसाइट है। बिहार में जो भी पुलिस की वैकेंसी आती है इसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई है, और आप लोग कोई भी वैकेंसी आती है तो लास्ट तक इंतज़ार ना करें कि हमको अप्लाई इसमें करना है। वैकेंसी आ गई, एक दो दिन में आप अप्लाई करके निश्चित हो जाइए, क्योंकि लास्ट तक क्या होता है कि कभी कभी जो वेबसाइट होती है वो भी क्रैश हो जाती है। अगर मान लीजिए कि लास्ट तक का इंतज़ार करेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो भी इस पर अपलोड की गई है वेबसाइट पे वैकेंसी, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, और इसमें एक और वैकेंसी है फायर स्टेशन ऑफिसर की, यानी कि दो वैकेंसी निकाली गई है। और इसके पूरे डिटेल्स हम लोग देखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं सब इंस्पेक्टर प्रोविजन को यहाँ पे अवर निरीक्षक मद निषेध। इसके बाद सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर को बोलते हैं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी, यानी कि दोनों का यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी चीज़ें दी गई हैं, आप भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए पूरा डिटेल क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डाउनलोड कर करके। अब दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट है डाउनलोड हो चुका है। अब एक एक चीज़ हम इसमें देखेंगे कि मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद निषेध, यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रोविजन, और बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग यानी कि सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की वैकेंसी इसमें निकाली गई है। इसमें अंतिम डेट यहाँ पर दिया गया है अप्लाई करने के लिए 4/6/2023। तो आपको लास्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। विज्ञापन संख्या इसको याद करना चाहिए, विज्ञापन संख्या को लिख करके आप रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम बहुत लेट हो जाता है तो विज्ञापन संख्या याद रहेगा। तो इसके आधार पर आप अपना एडमिट कार्ड या कुछ भी अपना देख सकते हैं कि कब आया कब नहीं आया। तो विज्ञापन संख्या है 01/2023 है। इसके बाद हम लोग वैकेंसी की बात करेंगे। दो तरीके के इसमें पद निकाले गए हैं, एक तो आपके सब इंस्पेक्टर प्रोविजन है, इसमें पेमेंट होगा 6 लेवल से, और रिक्तियां 11 हैं यहाँ पे। अनुमंडल अग्निशमनालय यहाँ पे जो दिया गया है सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की लेवल 6 से पेमेंट रहेगी, यहाँ पे 53 वैकेंसी दी गई है। अब इसमें जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, एक एक करके देखेंगे। और इसमें देखिए कोई भी चीज़ें एक एक चीज़ दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो एडवर्टाइजमेंट जारी होता है वो सभी चीज़ें इसमें दी हुई रहती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें आवेदन करने के लिए भारतीय नागरिक होने चाहिए, यानी कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पुरुष हो महिला हो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, थर्ड जेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है कि 1/1/2023 तक आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है इसमें पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो इसके बाद की यदि समय में आपकी शैक्षणिक योग्यता पूरी होती है तो उसमें आपको निलंबित कर दिया जाएगा जांच होने के बाद। यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपकी किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और उम्र सीमा जो भी आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023 के आधार पर काउंट की जाएगी। अभ्यर्थियों के जो उम्र इसमें काउंट किए जाएंगे वो अनारक्षित में न्यूनतम उम्र यहाँ पे दिए गए हैं, पुरुष की यहाँ पे 20 वर्ष होनी चाहिए और इसमें अधिकतम 37 वर्ष तक, और महिला के न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग पुरुष महिला के यहाँ पर न्यूनतम उम्र यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों के लिए यहाँ पर दिया गया है 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और महिला के दोनों के लिए यहाँ पे मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष दिए गए हैं। और बिहार के अंदर ऐसे लोग जो यहाँ पे आपके सेवा संवर्ग में, और कुछ ऐसे लोग जो सरकारी सेवा में हों उनके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। और असैन्य पदों पर जैसे भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 वर्ष के ठीक है उम्र यहाँ पे उम्र की छूट दी जाएगी। और ऐसे अभ्यर्थी
किसी भी अभ्यर्थी की उम्र की गणना जो होगी वो आपकी मैट्रिक के जो मार्कशीट आपके मिलते हैं उस पे उम्र की गणना वहीं से वहाँ पे लिखा हुआ रहता है वहीं से की जाएगी। अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें से तीन चीज़ें यहाँ पे मापी जाएगी, आपकी ऊंचाई, सीना और वजन, तीन चीज़ें। अगर ये तीनों असामान्य पाए जाएंगे तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगी। यानी कि जो सामान्य एक है उसको मैं बता रहा हूँ कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है अनारक्षित में, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं पुरुष असमान, देखिए अनारक्षित में दिया गया है, और पिछड़ा वर्ग अनारक्षित यानी कि जनरल और पिछड़ा वर्ग के यहाँ पुरुष के लिए यहाँ पर दिया गया है 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष का न्यूनतम यहाँ पे जो उम्र सीमा होना हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि पिछड़ा वर्ग के जो हैं उनके यहाँ पे अनारक्षित में और पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे 165, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 और सभी वर्ग के महिला के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट उनकी होनी चाहिए। इसके बाद सीना की बात कही जा रही कि सीना पुरुष के लिए है ये अनारक्षित वर्ग में और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुला करके यहाँ पे 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का अंतर कहा जा रहा है। दूसरा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके यहाँ पे 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना ये महिला में लागू नहीं होता है। वजन यहाँ पर देखिए, वजन जो होना चाहिए सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन यहाँ पर 48 किलो होना चाहिए, और किनन जो भी हैं थर्ड जेंडर हैं इनके लिए यहाँ पे वही मापदंड शारीरिक मापदंड भी होगा जो मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला के लिए के समान, इनको भी वही चीज़ें ली जाएगी। अब इसके बाद लिखित परीक्षा जो लिया जाएगा, लिखित परीक्षा में यहाँ पे दो यहाँ पे चरण होंगे। पहले चरण में आपको यहाँ पे 200 अंक का पेपर होगा, ठीक है। प्राथमिक परीक्षा जो ली जाएगी यानी कि प्रथम चरण जो लिया जाएगा इसमें 200 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 2 घंटा समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जिसमें से जो क्वेश्चन आएंगे अधिकतम सामान्य ज्ञान के और समय सामयिकी के मुद्दे रहेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंस के लिए यानी कि द्वितीय चरण के लिए 20 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। इसमें जब द्वितीय चरण लिया जाएगा यानी कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी जो मेंस की परीक्षा होती है, वो 200 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। इसमें 2 घंटे समय दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा क्योंकि ये ऐच्छिक विषय है। इसके बाद जो द्वितीय पत्र इसमें रहेंगे, ये तो प्रथम पत्र हो गए, यानी कि मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे जिसमें से प्रथम पत्र हिंदी होगा, द्वितीय पत्र सामान्य ज्ञान जिसमें से सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मासिक योग्यता यानी कि रीजनिंग पूछी जाएंगी। द्वितीय परीक्षा के आधार पर ही सिलेक्शन आपके लिए जाएंगे, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 पूर्णांक के यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे समय यहाँ पे रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी, गलत करने पे आपके 0.2 अंक काटे जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो उसमें आपको अंक काट लिए जाएंगे, 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा जब आपकी होगी जिसमें से हिंदी और सामान्य ज्ञान मैथ रीजनिंग पूछे जाएंगे, उसमें 6 गुना अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तो 6 गुना अभ्यर्थी तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और तीसरे चरण में आपकी शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें से शारीरिक योग्यता यानी कि माप आपके शरीर का लिया जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी वहाँ पे जो भी हमने ऊपर देखा है हाइट के बाद आपकी, जैसे हमने बता रहे हैं यहाँ पे कि सीना
कितना फुलाना चाहिए ये भी नापा जाएगा, यानी कि हाइट नापी जाएगी, सीना कितना फुलाना है ये सब नापे जाएंगे आपके। इसके बाद वजन भी यहाँ पे मेजर किया जाएगा। जो मुख्य दक्षता परीक्षा यानी कि शारीरिक योग्यता परीक्षा ली जाएगी वो इसमें आपको दौड़ होगी। पहला यहाँ पे दौड़ होगा, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है। और ये पुरुष के लिए हो, महिला के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर दौड़ना है, उनको 6 मिनट समय दिया जाएगा। और इसके बाद ऊंची कूद एक होगी, ऊंची कूद में यहाँ पे 4 फीट न्यूनतम कूदना है, और पुरुष के लिए, महिला के लिए यहाँ 3 फीट न्यूनतम कूदना है। लंबी कूद भी कराई जाएगी, पुरुष के लिए यहाँ पर न्यूनतम 12 फीट दिया गया है, महिला के लिए 9 फीट दिया गया है। गोला फेंक भी यहाँ पर कराया जाएगा, जिसमें से 12 पाउंड के गोले फेंकने, 16 पाउंड के गोले फेंकने हैं आपको पुरुष के लिए, और महिला के लिए यहाँ पे 12 पाउंड के गोले फेंकने हैं। जो भी थर्ड जेंडर हैं उनको भी यही सब, इसी जितने भी शारीरिक परीक्षा है या शारीरिक मापदंड है उनको भी इससे गुजरना पड़ेगा, और ये सबके सामान्य ही इसमें लिया जाएगा। इसके बाद आपकी मेगा सूची तैयार की जाएगी। जो भी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपके सिलेक्शन लिए जाएंगे। और रिक्त जो पद है, पद को यहाँ पे कोटी वाइज जो बांटी गई है वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 4 पद है, अनुसूचित जाति महिला के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 0 पद है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे महिला के लिए देख सकते हैं 0 पद है, अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 0 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ 0 पद है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 4 पद है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 0 पद है, अनारक्षित में 1 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद अनारक्षित महिला के लिए यहाँ पर 1 पद है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पद है, यानी कि टोटल 11 हो गया वैकेंसी। और इसके बाद हम लोग जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे अनुमंडल अग्निशमनालय के लिए यहाँ पे अधिकारी के लिए 53 पद दिए गए हैं, वो भी इसी तरीके से कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के यहाँ के मूल निवासी हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, ठीक है, और अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।